ए तको जी बारिश, ए तको जी बर्फ, तको ए बर्फ तको। तुसी असां की गर्मियां च बर्फ ना सुना देने, ए तको खुली खुली बर्फ इत्थे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाइयों, दिसंबर आ चुका है और यूके में स्नो भी हल्की हल्की आ चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्रास पे कैसे स्नो जो है वो भी हल्की हल्की सी रात को गिरी है। ये अभी वो प्रॉपर स्नो नहीं है, लाइक जस्ट स्टार्ट है। इशारा दिया है स्नो ने कि मैं आ रही हूँ, रेडी हो जाओ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा। और मुझे आप देख सकते हैं, मैं फुल पैक हुआ हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ जॉब पे। तो ठंड काफ़ी हो गई है, धूप तो निकली हुई है लेकिन ठंड वहीं के वहीं है। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि धूप निकलती है तो आपका जो है वो लाइक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर वही रहता है। आज मुझे लगता है टेम्परेचर होगा कोई 2 या 3 डिग्रीज, क्योंकि बहुत ठंड है और मेरे हाथ फ्रीज़ कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी जो है वो मेरे हाथ सर्दी की वजह से फ्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी जब स्नो पड़ेगी वो भी आपको दिखाते हैं। होप्स हो कि आज पड़ेगी स्नो 12 या 1 बजे के दरमियान या फिर शाम को, क्योंकि अभी इसने इशारा दे दिया है कि मैं जो है वो पढ़ने लगी हूँ, रेडी हो जाओ। और बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, बंदे बड़े बीमार हो रहे हैं इस ठंड की वजह से। और मैं तो पिछला पूरा वीक जो है वो बीमार रहा हूँ, हालात बहुत ख़राब हो गए थे। ये आप देख सकते हैं अभी हल्की हल्की स्नो पड़ी है। कार्स पे जिन्होंने अपनी कार्स वगैरह नहीं चलाई कुछ दिनों से, उनकी कार्स के ये हालात देख लें आप। काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे। और इस ठंड को बर्दाश्त करना भी पड़ेगा, अब यहाँ पे आए हैं तो। धूप तो काफ़ी अच्छी निकली हुई है, पाकिस्तान में ये धूप हो तो बड़ी नेमत होती है, लेकिन यहाँ पे इस धूप का फ़ायदा नहीं है, ठंड उसी तरह है। बस आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार, यूके में आज ठंड धूप निकली हुई है, उस तरह का वेदर नहीं है। अगर तो आज क्लाउडी होता तो फिर शायद अभी ही स्नो पड़ रही होती, लेकिन अभी स्नो नहीं पड़ रही। तो होप सो, देखते हैं, फर्स्ट टाइम स्नो देखेंगे लाइव यूके की, आपको भी दिखाएंगे साथ। तो अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, काम से भी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट मैंने भी सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं, आवाम को दिखा दें। और इस दफ़ा यूके में स्नो काफ़ी लेट पड़ी है, बल्कि आ रही है, वरना पहले तो जो है वो जनवरी में, और जनवरी में नहीं बल्कि नवंबर के एंड पे ही शुरू हो जाती थी। अभी तो दिसंबर की 7-8 हो गई है और अभी तक स्नो का था पता नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है सब। क्रिसमस भी आ रही है, क्रिसमस पे है इंशाल्लाह, होप्स हो के काफ़ी स्नो होगी, देखने को मिलेगी, इंजॉय करेंगे, व्लॉग भी बनाएंगे आपके लिए। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि अभी यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे, 8 बजे की ट्रेन थी तो टेम्परेचर बाहर -7 है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसकी वजह से हो गई थी कैंसिल। अभी हम फिर 9 बजे वाली ट्रेन जो है वो पकड़ने लगे हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद फिर एक ट्रेन जानी थी 9 बजे। अब देखते हैं वो ना कैंसिल हो जाए, दुआ करिएगा कि अब वो कैंसिल ना हो। 1-8 बजे जो है वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि जब यहाँ पे ऐसे वेदर कंडीशंस होती हैं हैवी वाली तो फिर ट्रेन वगैरह कैंसिल हो जाया करती हैं। तो लेट्स सी अब क्या होता है। यार वेदर जहाँ पे जो है, टेम्परेचर अभी जो है वो है -7। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ और ये घास वगैरह फुल जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अभी स्नो तो नहीं पड़ी लेकिन टेम्परेचर -7। आई डोंट नो, मुख्तलिफ डिफरेंट जगह पे यूके में स्नो हो रही है लेकिन यहाँ पे अभी स्नो नहीं पड़ रही, तो इट्स वेरी कोल्ड, मेरे हाथ जो हैं वो फ्रीज़ कर रहे हैं। आई एम अगेन सेइंग दैट। सो अभी यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे, आज फ्राइडे है, आज मेरी क्लासेस हैं 3, एक तो मिस हो जाएगी क्योंकि अभी 10 बजे क्लास है, तो 9 बजे मैं निकलने लगा हूँ तो
बाकी लगता है बाकी दो क्लासेस ले पाऊंगा अगर ट्रेन ये वाली कैच कर ली तो। ये चेक करें आप, ये चीज़ चेक करें जनाब, बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते होंगे टेम्परेचर -7 को, बिल्कुल जो है वो यहाँ पे ठंड का माहौल है। गाड़ियाँ भी यहाँ पे अगर आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो वो फ्रीज हुई हुई हैं बर्फ़ से, और काफ़ी ठंड का माहौल है। आहिस्ता आहिस्ता स्नो पड़नी शुरू हो गई है। फाइनली यार ट्रेन जो है वो कैंसिल नहीं हुई, ऑन टाइम है 9:03 पे। सो अभी मैं पहुंचा हूँ ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन कैंसिल नहीं हुई और ऑन टाइम है। अभी मैं 5-6 मिनट जल्दी आ गया हूँ तो ट्रेन हम अभी कैच कर सकते हैं। ये हेल्ड ग्रीन स्टेशन है तो यहाँ से हम ट्रेन कैच करेंगे। पहले मैं जाता था लिवरपूल लाइम स्ट्रीट, लेकिन ये मुझे अपने घर के नज़दीक ही एक ट्रेन स्टेशन मिला है तो यहाँ से मैं नेक्स्ट आगे जाया करूँगा, क्योंकि वो इतनी दूर लिवरपूल लाइम स्ट्रीट 1-1.5 घंटा बल्कि घंटा ही लगता है, तो फिर उधर से ट्रेन पकड़ना इट्स वेरी कॉस्टली। सो अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, बड़ी होप अच्छी उम्मीद ही थी कि कैंसिल ना हो, तो होपफुली कैंसिल नहीं हुई। गाइज लुक, फाइनली इट्स स्नोइंग आउटसाइड, स्नो पड़ रही है। अभी तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ तो फिर आपको रियल स्नो दिखाते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज इट्स एक्चुअली स्नोइंग हेयर इन लिवरपूल, लुक। सो गाइज फाइनली स्नो पड़ रही है यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हल्की हल्की, पूरा ग्राउंड जो है वो स्नो से भर गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है स्नो को देख के फर्स्ट टाइम। अभी मैं यूनिवर्सिटी हूँ और ये यूनिवर्सिटी के मैं थोड़े से ये ओपन एरिया में खड़ा हूँ तो फुल स्नो हो रही है, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम स्नो देखी है किसी लाइव जगह पे, देख सकते हैं। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा है, और मैं बड़ी हिम्मत के साथ जो है वो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, स्नो पड़ी है खूब की और मुझे जवानी चढ़ी भी, और मैं जैकेट उतार के वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें फुल स्नो का सीन ऑन है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। देखें चेक करें पूरा ये गार्डन जो है ये वाइट वाइट हुआ हुआ है स्नो की वजह से, और पता नहीं अजीब सी बात है मुझे ठंड नहीं लग रही इस वीडियो में, इस वेदर में पता नहीं क्या वजह है। मैंने जैकेट भी अपनी उतार दी है, मुझे कोई ठंड वगैरह नहीं लग रही, अजीब ही सिस्टम है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, स्नो हो रही है, उस वजह से टेम्परेचर भी माइनस में है। लेकिन ये देख लें आपके भाई को जवानी चढ़ी हुई है, ये देखें। और आज फाइनली मज़े की बात ये भी है कि आज से क्रिसमस हॉलीडेज़ भी शुरू हो रही हैं, सो 3 वीक्स के लिए बिल्कुल सुकून, नो यूनिवर्सिटी आना जाना, तो घर पे आराम करेंगे। और 3 वीक्स की छुट्टियां हो गई हैं आज से, आज लास्ट डे है, फ्राइडे है, तो आज हम लास्ट क्लास के लिए आए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जनवरी में आना है, मिड ऑफ जनवरी में, तो ये भी खुशी हो रही है। छुट्टियां जैसे बचपन में छुट्टियां होती थी तो खुशी होती थी, अभी भी खुशी है छुट्टियां। डबल डबल जो है वो एंजॉयमेंट करने को मिली है, पहले स्नो और अब जो है वो छुट्टियां भी आज से हो रही हैं। यूनिवर्सिटी पूरे इंग्लैंड में आज से क्लोज़ हो जाएंगी क्रिसमस हॉलीडेज़, वैसे तो स्टार्ट हो रही हैं छुट्टियां 22 से, लेकिन हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव वीक है। यहाँ पे एक चीज़ होती है रिफ्लेक्टिव वीक, 2-3 वीक्स के बाद आपका एक रिफ्लेक्टिव वीक होता है जिसमें आपको एक रेस्ट देते हैं।
ये चेक करें जी, इन्होंने क्रिसमस के लिए यूनिवर्सिटी को जो है वो पूरा प्रिपेयर किया है, लाइट्स वगैरह लगाई हैं। सीन काफ़ी जो है वो स्मैक्सी सा लग रहा है। ये जब होगी ना रात होगी तो फिर ये सीन देखने वाला होगा। ये देख सकते हैं स्नो आप पूरे हॉल में, इधर गार्डन में स्नो ही स्नो हुई भी है। अभी रुक गई है स्नो और अभी घर जाने का वक्त है। The next morning. So guys, these are the scenes here. देखें फुल स्नो जो है वो यहाँ पे इस वक्त हो रही है और इंच दो इंच जो है वो यहाँ पे स्नो जो है वो हो रही है। फुल स्नो का माहौल है यहाँ पे, हर तरफ वाइट वाइट, हर चीज़ आपको यहाँ पे वाइट ही नज़र आएगी। और ये मेरे पीछे दो बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, इनकी माँ ने इनको घर से बाहर काट दिया है कि आप घर में बहुत अनर्थ मचाते हैं, आप घर से निकल जाएं। आप देख सकते हैं फुल व्यू और ये मैं निकला हुआ हूँ बाहर फुल स्नो में। चेक करें गाइस, इट्स फुल स्नो का माहौल, हैवी स्नो इज गोइंग ऑन हियर। लुक, दिस इज दिसंबर, दिस इज यूके इन दिसंबर एक्चुअली। चेक करें जनाब, फुल स्नो का माहौल है, गाड़ियां बिल्कुल स्नो से भर गई हैं। ए तको जी बारिश, ए तको जी बर्फ, तको ए बर्फ तको, तुसी असा की गर्मियों बर्फ ना सुना देने, ए तको खुली खुली बर्फ इत्थै, जिन्नी मर्जी चुको ते जितनी मर्जी खाओ। ए गवांडी असा की बर्फ नहीं सुना देने, ते ए तको ना की मैं दसना चाहना है तको बर्फ कितनी बर्फ है, बर्फ नहीं थोड़नी असा की, हूँ बहुत बर्फ है असा को। ये भाई की गाड़ी जो है ये देखें, ये भी फुल बर्फ़ से जो है वो भर गई है। अब भाई ने जब काम पे जाना है तो घंटा इस पे लगाना पड़ेगा भाई को, क्योंकि यहाँ पे अब हैवी स्नो स्टार्ट हो गई है यूके में और ये पूरा दिसंबर इसने चलना है। यार अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग यार। ये चेक करें गाइस, बर्फ़ यहाँ पे ज़मीन पे बर्फ, चेक करें वो, ये चेक करें फुल बर्फ, खुली बर्फ। यहाँ पे जिसको बर्फ चाहिए तो वाटर कर सकता है, खुली बर्फ, खुली बर्फ का माहौल है यहाँ पे। फुल सीन ऑन हियर इन मैनचेस्टर। और यकीन करें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे पहले स्नो से पहले वेदर था, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो जाते थे, अभी वैसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। यू कैन इवन पुल योर कोट आउट। सो ये सीन है यहाँ पे, स्नो में आपको सर्दी नहीं इतनी लगती, ये मैं आज इमेजिन कर रहा हूँ। जितनी पहले मुझे सर्दी लगती थी अभी उतनी मुझे सर्दी नहीं लग रही। सो गाइज, वी आर मेकिंग स्नो मैन हियर। लुक, हमने बर्फ से इधर स्नो मैन बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। ये उसका नाक बनाया है और वो उसका ऊपर कान लगाया है, ये उसके बाजू लगाए हैं, क्योंकि अभी स्नो जो है वो रुक गई है ना, तो उस वजह से यही बन सका है। ये हमने स्नो मैन हमारा देखे, चेक करें गाइज। अयान हाउ इज इट? नॉट गुड। Oh, Ayan, it's broken. Oh, it's broken. It's broken. तो गाइस, ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाई यूके में पहली स्नो फॉलिंग। नीचे आए तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर आए तो स्नो फॉलिंग हो रही थी।
तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता आपका, प्लीज़। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।